मोटी तो यही छोड़ दिया, फाइल लेके चली गई, रोटी बना रही बेचारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड, इस समय दोपहर के 2 बज गए और मेरे सारे काम निपट गए और अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। और हम जा रहे हैं देहरादून की एक बहुत ही खूबसूरत जगह। इस समय मौसम ना थोड़ा बारिश का हो गया, थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी धूप थी, धूप आ रही थी जा रही थी, लेकिन बारिश जैसा मौसम हो गया। तो अभी रेडी हो गए, तो चलते हैं और देखते हैं। वैसे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप वीडियो में बने रहे हैं। वहाँ दिखाते हैं आपको कि वो कितना सुंदर है और बहुत ही फेमस जगह है। तो जब तक फ्रेंड्स आती है, मैं अपना गोप्रो सेट कर लेती हूँ। अभी गोप्रो भी रेडी कर दिया मैंने। आ गई मेरी फ्रेंड्स मधु, सीमा और दीदी, और एक दीदी ने और आना अभी आई नहीं, दो दीदी और अच्छा। तो हम पहुंच गए यहाँ पर, ये मेन गेट है FRI का और सामने ये काउंटर दिख रहा है, यहाँ से टिकट परचेज करना है और इस साइड जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहले भी आ रखी, बच्चों को भी लेके आई थी और आज मैं फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू है, बैक साइड में यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है और बैक साइड भी बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। ये 4-व्हीलर पार्किंग इस साइड से आए थे और यहाँ पे तो सेल्फी स्टार्ट होगी। FRI के बैक साइड में आपको कैंटीन मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। यहाँ पे बेंचेस भी लगा रखी। चलते हैं फ्रंट वाली साइड, सामने मेरी फ्रेंड्स चलेगी। और क्या खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, देखो। सामने सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल्फी लेते हैं और कुछ यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लगा रखे, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये साइड व्यू है FRI का। तो अब आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स, FRI के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ आपको। FRI जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 1906 में ब्रिटिश से लिया था। उससे पहले ये ब्रिटिश के पास था और ब्रिटिश ने अपने एक ऑफिसर को भेज के यहाँ रिसर्च करवाई थी पूरे जंगलों की। और उसके बाद 1906 में जब इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया तो ये इंस्टीट्यूट के रूप में कन्वर्ट हो गया और यहाँ रिसर्च वगैरह होने लगी। तो बस यही पता है मुझे अभी FRI के बारे में। तो अभी चलते हैं थोड़ा नीचे और आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं, पूरा व्यू FRI का फ्रंट से। हम यहाँ पर फोटोग्राफ ले रहे थे और बहुत तेज की बारिश आ गई, तो सब भाग रहे, बारिश आ गई और मेरी फ्रेंड्स लोग तो यहाँ प्लांट के नीचे छुप गए, छोटे छोटे बच्चे भी भाग रहे। तो आज तो हम भीगने वाले, अंदर कैसे लग रहा बताओ? बहुत ठंडा लग रहा, मैं गल गई, मजा आ रहा। क्या प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से, लेकिन ये बारिश ना 2 मिनट की लग रही है। इतना मजा आ रहा ना, इतना एंजॉय कर रहे हम, क्योंकि धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और ये वाली बारिश ज्यादा तेज नहीं, तो बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट में काफी भीड़ थी ना, तो अब कोई नहीं है। बारिश बंद होगी, थोड़ी देर की थी हल्की, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया यहाँ पे। आज संडे, तो आज इंस्टीट्यूट क्लोज है। इंस्टीट्यूट में अंदर फोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, सिर्फ पब्लिक आ रखी है एंजॉय करने के लिए। हर एंगल से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर मौसम, सच में बहुत अच्छा, मन ही नहीं हो रहा है। मौसम तो बहुत अच्छा फ्रेंड्स, और ज्यादा तेज बारिश भी नहीं, एकदम बारिश की फुहार आई है। मधु बहुत एंजॉय कर रही है बारिश, ज्यादा एंजॉय कर रही है। ये देखो दोनों आज ही दिख रही है पागल खाने से, अभी तुम्हारा ले जाऊंगी 2 घंटे बाद इनको, वही और एक कंबल 500 रुपए मिलते हैं। अब हम थोड़ा कैंटीन में जा रहे हैं, कुछ खा लेते हैं। और अभी इधर कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी गैलरी मिल जाएंगी फ्रेंड्स आपको, यहाँ सामने भी है, जहाँ भी आप जाएंगे गैलरी गली मिलेंगी आपको। मैं तो फर्स्ट टाइम आई, सीमा कैसा हाँ। लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम सीमा ने बहुत अच्छा, तुम भी फर्स्ट टाइम आए? भी फर्स्ट टाइम आए पर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम भी फर्स्ट टाइम आए, हमें बहुत अच्छा। तो मैं ही सेकंड टाइम आई फ्रेंड्स, और मधु तो कई बार आ रखी। मधु तुम कितनी बार आई हो? मैं तो 7-8 बार आई। 7-8 बार इस टाइम पे कॉलेज में, हर्बेरियम की फाइल बनाने आते थे।
बॉटनी तो ये छोड़ दिया, फाइल लेके चली गई, रोटी बना रही बेचारी। हमने भी बॉटनी से ही किया है, लेकिन मैं नहीं आई हूँ, मधु आ रखी है यहाँ। और मधु MKP में पढ़ी है, मैं DAV में पढ़ी हूँ। हम GGIC से पढ़े हैं। GGIC देहरादून? देहरादून गर्ल्स कॉलेज। अच्छा, मैं प्योर पहाड़ी। हम भी प्योर पहाड़ी है। हम प्योर पहाड़ी है, अपने पहाड़ों से पढ़ के आए। अभी कैंटीन में हम चाय पी रहे हैं और सैंडविच वगैरह खा रहे हैं। चाय भी पी ली हमने, सैंडविच वगैरह खा लिया, और अब चलते हैं घर, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया, बारिश आने वाली है। फ्रेंड्स, आप देहरादून घूमने आए तो FRI जरूर आएगा। FRI बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर और साउथ की मूवियों की भी हुई है। FRI तक पहुँचने का बहुत ही सिंपल रूट है। अगर आप क्लॉक टावर से आएंगे तो चक्राता रोड पे आना है, और वहीं पर राइट हैंड साइड में आपको FRI मिल जाएगा, बल्लूपुर चौक से आगे। और यहाँ एंट्री टिकट है 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपका एंट्री चार्ज है, और 10 रुपीज़ स्कूटी का। और अगर आप 4-व्हीलर से आते तो यहाँ 40 रुपीज़ चार्ज है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स घर, और मेरी और फ्रेंड निकल गई, और अब हम भी चलते हैं। हम घर आ गए और फ्रेंड्स भी मेरी चली गई, और रास्ते से हमने पूजा का सामान भी लिया था, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं ना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको FRI का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।